श्री लाइव मास्टर राजेश मेडिकल चौक मार्ग का डांडीकरण करें, राका पाठी नूतन जी खान की मांग। स्थानीय राजेश मेडिकल चौक से ग्रामीण अस्पताल तक के मार्गों का डांडीकरण करने की मांग को लेकर राकापा अल्पसंख्यक परिषद शहर अध्यक्ष मुमताज खान ने जिलाधीश के माध्यम से उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मेडिकल चौक से ग्रामीण अस्पताल तक का मार्ग बेहद खराब होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगामी 30 अप्रैल तक सड़क का डांडीकरण नहीं किया गया तो तहसील के पानी की टंकी जल समाधि लेने की चेतावनी मुमताज खान ने दी है। चांदूर बाजार से इमरान खान की खास रिपोर्ट। मुलाकात करते हैं, इनकी समस्या को हल करते हैं। क्या है सर जी आपका नाम? हमने 21 तारीख को जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया था, क्या राजेश मेडिकल से लेकर ग्रामीण रुग्णालय तक डांबरीकरण रास्ता या कॉन्क्रीटीकरण रास्ता होना चाहिए। तो 25 दिन हो गए, जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया था, मुख्याधिकारी को एक निवेदन दिया था, 25 दिन से उस पर कोई भी उनका ध्यान नहीं। तब तक के कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे तब तक के ये लोग इनके समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, स्कूल से जाने वाली लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे खड्डे में रोड हो गया, रोड में जाने के लिए दिक्कत हो गई, ग्रामीण रुग्णालय है एम्बुलेंस जाने के लिए दिक्कत होगी, सभी लोगों को परेशानी हुई। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, पालक मंत्री हमारे जिले के जैसीमती साई ठाकुर, इनको भी हमने एक निवेदन दिया हुआ है, इस पर इन्होंने भी कार्रवाई की। आखिर हमने ये निर्णय दिया है राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने कि 30 तारीख को हम चांदूर बाजार तालुके में कोई भी पानी की टाँकी के अंदर समाधि देंगे, आगे की कार्रवाई प्रशासन कर सकता है, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। तो ज़्यादा है या कम है? बहुत सारा ट्रैफिक है, एम्बुलेंस गुजरती है, सभी डिलीवरी पेशेंट बाकी सगड़े सभी बातों के पूरे तालुके के पेशेंट यहाँ आना जाना करते हैं। दूसरी बात, सभी स्कूल यही रोड पर है, स्कूल से बच्चे जब जाते हैं ड्रेस के अंदर तो पूरे टू व्हीलर का कीचड़ वो बच्चों के आंख पर उड़ता है। अभी आने सामने बरसात का मौसम है, कुछ भी हो सकता है, एक बड़ी घटना भी हो सकती है, इसको नज़रअंदाज मुख्याधिकारी साहब नगर पालिका प्रशासन नहीं कर सकता। अन्यथा इन्होंने अगर हमारी मांग 30 तारीख तक पूरी नहीं की तो हम कोई भी तालुके के पानी की टंकी में जल समाधि देंगे। तो मटेरियल रस्सी से गिरा है, कुछ भी नहीं सब अंदर किया है, कुछ नहीं इसका जिम्मेदार प्रशासन रहे, ये ध्यान में रखते हुए बाकी प्रशासन की अपेक्षा करता हूँ जल्दी से जल्दी काम कर दे, रस्ते का डांबरीकरण कर दे। जय हिंद।